हेलो फ्रेंड्स, मैं वीर मिश्रा आप सभी का एग्जाम फ्लो ऐप पर स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के लिए एडवांस मैथ का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मात्र 75 डेज में आपको ए टू जेड कंप्लीट एडवांस मैथ विद प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जुलाई से, ठीक है। इसमें क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक तो डेली लाइव क्लासेस चलेगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, बीच बीच में टेस्ट पेपर भी होगा। कोर्स ड्यूरेशन इसका 75 डेज का है, जिसकी फीस मात्र 499 रुपीज है, ठीक है। इस बैच को आप एग्जाम फोड़ो, ठीक है, ये हम मैं लिखते रहा हूं एग्जाम फोड़ो, इससे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं मात्र 499 रुपीज में, ठीक है। ये लिखा गया है, यहां से आप कर सकते हैं परचेज, ठीक है। क्या होगा एडवांस मैथ का सिलेबस, क्या कैसे हमें पढ़ना है, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। एडवांस मैथ बहुत सारे ऐसे बच्चों का कमजोर होता है, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उस तरीके से होता नहीं मैथ से, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। उन बच्चों के लिए ये बैच बिल्कुल रामबाण है कि उन्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कराया जाएगा। जिसमें देखिए कोर्स हम लोग का क्या है, सबसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, पॉलिनोमियल से। उस पॉलिनोमियल्स में भी जैसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं, हम लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट थोड़ा बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि क्या है लीनियर इक्वेशन। उसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, देखो ये सिलेबस में एग्जैक्ट लिखा नहीं है, लेकिन ये सब बातें पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप अच्छे से आप कोर्स को समझ पाएंगे, क्योंकि अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स और इंडेक्सेस, इन सब बातों को तभी आप समझ पाओगे जब बेसिक छोटी छोटी बात आपको पता होगा। टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में पेपर चल रहा है एसएससी सीएचएसएल का पेपर, उसमें भी आपको दो इक्वेशन देकर आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा है, तो वो टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, दो इक्वेशन एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी से कैसे फाइंड करेंगे, ये सब बातों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर बेसिक तरीके से समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसमें चीजें आती हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ फिर अलजेब्रा हम देखेंगे, अलजेब्रा एक बड़ा पार्ट है, अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, इसमें बहुत सारे बातें हैं। इसके बाद हम लोग सर्च एंड इंडिसेस को अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर दिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तीन पार्ट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में जानते होंगे, तो वो तीनों चैप्टर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया कि चीजें समझा पाऊं मैं। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायंगल को, ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर इसके बाद जितने भी पार्ट आते हैं इसमें हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री में। जब पढ़ेंगे तो उस चीज को हम बेसिक तरीके से एक एक बात को समझाएंगे। मेंसुरेशन में भी जैसे 2D और 3D ना, 2D और 3D दो पार्ट है ना, इनको बढ़िया से समझेंगे हम लोग, ठीक है। प्रिज्म, पिरामिड, इस ना सारी चीजें हम लोग एरिया और वॉल्यूम सीखेंगे। फिर इसके बाद एक चैप्टर नया जो कि हम लोगों के प्री में नहीं, परमिटेशन एंड कम्बिनेशन, वास्तव में परमिटेशन एंड कम्बिनेशन सिलेबस में नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी समझने के लिए आपको ये चैप्टर सीखना ही पड़ेगा। तो ये सारे चैप्टर आपके हैं, ठीक है, जिसे हम लोग एडवांस मैथ में सीखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा दिन का कोर्स नहीं है, मात्र 2.5 से 3 मंथ का कोर्स है, 75 डेज मैंने टारगेट रखा है, जिसमें आपको मैं बेसिक तरीके से स्टार्ट करूंगा। डेली 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, लाइव क्लास चलेगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपको एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ठीक है, आप कभी जीवन में पढ़े नहीं होंगे एडवांस मैथ, तो यहाँ आप पूरे 100% मैं बता रहा हूँ 100% गारंटी है कि आप इस बैच को परचेज करने के बाद जीवन भर आपको कभी भी एडवांस मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग मिलते हैं 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को इस बैच को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 जुलाई से टाइमिंग इसकी रहेगी 3 PM से PM टू 4:30 PM, ठीक है। याद रखिएगा इस समय पर आप आ सकते हैं, इस कोर्स को परचेज करके आप पढ़िए। अच्छा,
मेरी जो इसमें बच्चों को मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है कि सबसे बड़ी बात है कि उनका प्रैक्टिस नहीं हो पाता, कि प्रैक्टिस तो कर ही नहीं पाते, बस थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस मैथ में ज़्यादा थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, नए क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट प्री और मेंस दोनों के लिए होगा, आपको मेंस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा पढ़ने के लिए, प्री और मेंस दोनों आप इसी में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही अलग टाइप से आप इस चैप्टर इस बैच को पढ़ेंगे, एडवांस मैथ बिल्कुल अलग, जितना आज तक आप कहीं पढ़े होंगे ना उससे बहुत ही डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको एडवांस मैथ में नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस बैच को जरूर परचेज करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग 5 जुलाई के। ज्यादा इंक्वायरी कुछ अगर आपको चाहिए, कुछ बातें आपको पूछना है मुझसे, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 9454288728, ठीक है। तो ओके, तो मिलते हैं हम लोग 5 जुलाई को।